जो भी भर्ती होती हैं सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जाती हैं, क्यों फिर भर्ती नहीं हो पाती हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती की सही से इंक्वायरी हो तो अभी भी सब पत्ता खुल जाए। हर नौकरी भ्रष्टाचार से की क्या गलती है? रोजगार हमारा काम है ढूंढना, सरकार का काम नहीं। रोजगार बहुत है, आप काम करने के लिए अगर प्रेरित हैं तो काम बहुत है। मतलब सरकार मौके दे रही है, मिल रहा हो वो हमारे पास आए, हम उसको काम दिलाएंगे। चुनावी दंगल सन 2022 का सफर करते हुए अपनी टीम के साथ हम लोग आप पहुंचे हैं भगवंत नगर विधानसभा 166 में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उस जगह जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अजय सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की धरती बदरका में। चल रहा है राजनीति का, कई प्रत्याशी, कई तरीके की पार्टियों के प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी यहां से ठोक चुके हैं इस बार सन 2022 के चुनावी दंगल में अपनी ताल। हम लोगों का सफर लगातार दंगल 2022 में कैसा रहा सफर, आइए जानते हैं। आपका नाम क्या है भैया? भैया पंकज वाजपेयी। पंकज वाजपेयी जी, सन 2017 से लेकर के सन 2022 का जो ये परिवर्तन कितना हुआ? भैया कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना कोई विकास हुआ, ना कोई परिवर्तन हुआ, ना कोई विकास हुआ। बेरोजगार बैठे हैं हम लोग, पहले 2.5-2.5 लाख रुपया नौकरी में और दुकान का, कोई ना इतनी बेरोजगारी फैली, इनसे पूछे बजाय सब बेरोजगार है। आपके यहाँ के जो विधायक जी थे उन्होंने भगवंत नगर में कितना विकास? वो आए 5 साल में, आए लूट लाट के चले गए। 5 साल में आए और लूट लाट कर चले गए। भैया आपका क्या नाम है? रविकांत। रविकांत जी आप क्या करते हैं? वैसे अभी तो पढ़ाई खत्म हुई है। किस क्लास में थे? बीकॉम फाइनल। अगर बात करें 17 से 22 में तो युवाओं के लिए सरकार ने कुछ किया कि नहीं किया? युवाओं के लिए मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता है। नहीं, सरकार ने जमीनी स्तर पर जो भी अपनी योजनाएं चलाई उसका आपको कुछ लाभ मिला? अब मुझे क्या लाभ मिला, अब देखो अब ये चुनाव के टाइम पर सड़कें बन रही, बस चुनाव के टाइम पर सड़कें बन रही, चुनाव जीतने के लिए सड़कें बन रही। सड़कें कहाँ कहाँ की बनी भगवंत नगर में? अभी तो ये हाईवे चल रहा, काम हाईवे काम चल रहा है, और दो चार सड़कें उधर की बन रही है, दो चार सड़कें और। भैया आपका क्या नाम है? अन्नू सविता। अन्नू जी आप यहीं के रहने वाले? जी यहीं के। अभी जो सरकार चल रही थी सन 2017 से 22 तक जी, इससे आप कितना संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। वैसे कारण? कारण क्या, बेरोजगारी बहुत फैल चुकी है, महंगाई बेहद ही हो चुकी है, महंगाई और बेरोजगारी, बेरोजगारी महंगाई। जो नारी सुरक्षा का एक वादा लेकर के सन 2017 में योगी सरकार आई थी, उसमें आपको क्या लगता है कि सुरक्षा दृष्टि से? सुरक्षा दृष्टि से कानून व्यवस्था तो थोड़ा कहीं सही है, बाकी महंगाई बहुत चरम सीमा पर है और बेरोजगारी भी बहुत। यहाँ पर कानून व्यवस्था से संतुष्टि है, लेकिन यहाँ पर दो विषय निकल करके आए हैं, पहला महंगाई का मुद्दा है और दूसरा बेरोजगारी। जो भी भर्ती होती हैं सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जाती हैं, क्यों फिर भर्ती नहीं हो पाती हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती की सही से इंक्वायरी हो तो अभी भी सब पत्ता खुल जाए। हर नौकरी भ्रष्टाचार से युक्त है। मतलब आपके अनुसार इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। हाथरस की लड़की को जिंदा जला दिया, कहा नारी शक्तिकरण चला गया इनका, बताइए। आपकी बात में दम है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा कुनबा है। बात हम लोग कर रहे हैं भगवंत नगर विधानसभा 166। भैया यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, जो विधायक जी थे उन्होंने कोई काम नहीं कराया है, सब सब सब। तो आप विधायक जी से असंतुष्ट हैं या सरकार से? हम दोनों से असंतुष्ट हैं, दोनों से असंतुष्ट हैं। ये एक बदरका गांव है चंद्रशेखर आजाद जी का, हमारे क्रांतिकारी का गांव है। यहाँ पर ना कोई इंटर कॉलेज है, ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई सरकारी अस्पताल है। हमारे गांव की लड़कियां 15-15 किलोमीटर बेचारी पैदल जाती थी, क्या उनका कब रेप हो जाए? यहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज निकल करके आई है, जो लड़कियों की सुरक्षा और एक नारा चल रहा था, जब पढ़ेगी बेटी तब बढ़ेगी बेटी, उसके आधार पर हमारे बीच में कुछ और भी साथी उपस्थित हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप किसान भी होंगे? हाँ किसान भी हैं। तो किसान में जो एक सबसे बड़ा अभी विषय चल रहा है गाय का। गाय में तो भैया परेशान है ना, रात दिन ख्यात मरे जा रहे हैं ना, और भैया जो दशा खराब है तो हालत खराब भैया हमारे, ये सरकार में कोई फायदा नहीं है, समझ लो सब ख्यात में परे है ना। लेकिन किसानों को सरकार के द्वारा कुछ राशि भी दी जा रही है? राशि 5 किलो दे रहे तो कोई उखाड़ कूड़ा हो जा रहा है,
जो किसान निधि के अंतर्गत जो पैसा आता है वो आप लेते हो कि नहीं? पैसा नहीं लेते, हमको मिलता नहीं कभी। आपको मिला ही नहीं? कभी नहीं मिला। फार्म भरे? फार्म वार्म नहीं भैया, हमारे खेती नहीं, हम बटाई करते सब। बटाई करते हो? तो आपका जो जो ये गाय यहाँ पे क्षेत्र में टहल रही है, जिम्मेदार इसमें सरकार ज्यादा है या यहाँ की लोकल जनता? सरकार को रोक लगावे के चाहिए। सरकार कैसे अपन बंदे भेजा या गैया पकड़ ले जाए? गैया पकड़ के ले जाए। आओ का एक हमारे मन में छोटा सा प्रश्न है, गैया तो टहल रही है कि भैंसी लेकिन कहा नजर नहीं आता? भैंसी नजर क्या नहीं, भैंसी कंपनी भैंसी कहा छोड़ी नहीं जाती? भैंसी कहाँ छोड़ी जाए है? कहे तो गैया कहा छोड़ देते हो? अब भैया जो आदमी दुई खा छोड़ देते हैं भैया, नहीं बात करो, दुई खा के छोड़ देता है ना, यही कह रहे हो ना कि दुई दुई लीने और छोड़ दीने? तो एमा योगी जी छोड़े आया या मोदी जी आए? नहीं जोड़ी जनता है, मगर सरकारों को जो कार्रवाई करे चाहिए। कहाँ कार्रवाई भाई, तुम पूछे कहाँ कार्रवाई? यार गैया जो एक बंद करा जो फिर छोड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है सब भैया, मुझे ख्यातन परेशान है। यह तो हम तुमसे पूछा था ही रहने की छोड़त को है। अरे जनता छोड़ दी और छोड़ी जनता छोड़त। सबसे बड़ी चीज यहाँ निकल करके आती है कि एक जो यहाँ का किसान है वो यहाँ के जानवरों से परेशान है, उस पर भी कुछ कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। लेकिन अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय जनता तक भी एक अपना व्यक्तिगत मैसेज देना चाहता हूँ, भैया अगर गैया छोड़ते हो तो भैंसी भी छोड़ दिया करो, और यह दोनों को खूंटे पर बांध के रखो। भैया से हमारी बात हो रही है जी भैया, लोगों का एक सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार चैनल के माध्यम से देख रहे हैं बेरोजगारी के विषय में, और आप एक युवा हैं और युवा का दर्द एक युवा ही रख सकता है, इसलिए आप इस दिशा में कुछ बताएंगे जी? बेरोजगार कौन है, कौन बेरोजगारी का मुद्दा उठा के फिर रहा है, हमें जरा उनसे हमारी डिबेट करवा दी जाए। कभी जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा के घूम रहे हैं उनसे कभी हमारी डिबेट करवा दीजिए। हम भी 21 साल के युवा हैं, ग्रेजुएट हैं, बराबर से पढ़े लिखे हुए, ऐसा नहीं कि हम कदे हैं। यस ठीक है, हम भी युवा हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन कभी किसी सरकार से ये युवा हैं जो कह रहे हैं कि हम किसी सरकार से कभी रोने नहीं गए। सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या मैं प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल। मैं ब्रिटानिया में एक साल काम किया, 15,000 वहाँ भी मिले हमको, फिर अपने बिजनेस में लौट आए, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। मतलब आप आत्मनिर्भर भारत की लाइन को और रोजगार को दोनों को मिलाकर चलते हैं? बनी बात है। आपके द्वारा युवाओं का, एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर हमको रोजगार नहीं मिला तो इसमें सरकार की क्या गलती है? रोजगार हमारा काम है ढूंढना, सरकार का काम नहीं। रोजगार बहुत है, आप काम करने के लिए अगर प्रेरित हैं तो काम बहुत है। मतलब सरकार मौके दे रही है, मिल रहा हो वो हमारे पास आए, हम उसको काम दिलाएंगे। उसके एक ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप लायक हैं, आपके लायक तो हमारे ये भैया हैं, देख लीजिए इनको ठीक से, ये आपको काम दिलाएंगे। एक बार नाम बता दीजिए। शिवम साहू, लायक काम दिलाएंगे आप, जिस लायक होंगे वो काम दिलाएंगे आपको। धन्यवाद आपका। बंथर, बंथर चुनाव का माहौल है, सर्दी में कुछ गर्मी गर्मी चुनाव आई कि नहीं? गर्मी बंफर है बीजेपी की, बीजेपी की गर्मी है। वैसे ये जो तुम्हारे ऊपर लाइट जल रही है, हाँ। अभी एक दादा के ऊपर, दादा के द्वारा बताएगा किसने, हाँ। लगवाई थी लाइट? ये ग्राम प्रधान बदरका, बदरका के संजय, संजय यादव। तो हाँ भैया से कहेंगे जरा ऊपर दिखाए इसको लाइट को, जलती तो जलती ही नहीं भैया। अंकुर भैया एक चीज जानना चाहेंगे, सन 2017 से 22 का जो सफर रहा, इसके कुछ आप अनुभव साझा करें? अनुभव कोरोना काल के थोड़ा बिगड़ा था, बाकी अब समर रहा धीरे धीरे। कोरोना काल की वजह से कुछ दिक्कतें और परेशानियां आई। आपके यहाँ अभी बाजार में एक मुद्दा बहुत मुखर होकर के उठा कि किसानों को रात रात भर खेत ताकने पड़ते हैं, गाय की समस्या है। अरे गाय तो ढीले हैं, भैंसी ढीले तो जाने मिले। गाय ढीले हैं, भैंसी अगर ढीले हैं तो तमन में हुए। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए और ये भगवान नगर का सफर हमारे साथ लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। कैमरामैन महेंद्र कुमार के साथ शिवम त्रिपाठी की रिपोर्ट।